आशीष मीना, आशीष हाँ यस सर। कितने दिनों बाद ज्वाइन कर रहे हो तुम? सर मैं बाड़मेर आ गया था सर, यहाँ पे नेटवर्क का इश्यू था ना, तो दूसरा सिम ले गया था मैंने। बात हुई थी फोन पे क्या सर? तुम्हीं से बात हुई थी ना फोन पे? एक मिनट सर। राज मीना राज मीना राज मीना पानी दे रह गया, निकाल दूंगा मैं तुमको बाहर। राज मीना यस सर। सोए हुए हो? लेटे हुए हो बिस्तर पे? सर वो लेट तो नहीं रहता, ऐसे लेट गया था, अभी शुरू किया। अटेंड नहीं करना है? क्लास अटेंड करना है? यस सर। पढ़ना है? अटेंड करना पढ़ना है सर। लेटे हुए हो लग रहा है, बस दिखाने के लिए लेटे आए हुए यहाँ पे। नो सर। गुड आफ्टर गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। चलो स्टार्ट करते हैं। म्यूट कर लो सबको, ही म्यूट करो। लेक्चर फोर एक बार ये देखो आप लोग, सॉरी किसी ने ये देखा है क्या लेक्चर प्लान? लेक्चर प्लान में इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फ्री, थोड़ा मैंने चेंज ये मैं चेंज कर रहा हूँ सीक्वेंस, मुझे कौन सा सही लग रहा है इस हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज कर रहा हूँ। तो ये रेगुलरली जिस दिन भी क्लास होगी, एक दिन रात में शाम को देखना है कि क्या पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट डे पे, ठीक है? तो ये चेंज करता रहता हूँ मैं मॉडिफाई करता रहता हूँ ताकि मुझे समझ में आए कि क्या कैसे किस सिक्वेंस में चलना है। मैं वैसे तो स्टार्टिंग में लिख दिया था, तो अभी सिक्वेंस मैंने बनाया है, तो ये पहले हमको पढ़ना जरूरी है, इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम। ये आप ऑलरेडी उसमें भी पढ़ रहे हो, इक्विलिब्रियम तो जानते ही हो, थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ चुके हो, और मैकेनिक्स में भी बताया जाएगा, बताया गया होगा, ठीक है? तो यहाँ पे भी हमको देखना है थोड़ा बहुत, तो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम। लेकिन उससे पहले मैंने जो लास्ट लास्ट क्लास या फिर ट्यूटोरियल क्लास में जो कराया था उसको थोड़ा सा देखें, तो जो कि मतलब कनेक्टेड है आज के टॉपिक में। तो देखिए जरा स्ट्रेस, ये जो ये बॉडी है, अब मैं इस पे कुछ फोर्स लगा रहा हूँ, आप लोग बताएंगे इसमें कहाँ पे कौन से ऑब्जेक्ट में फोर्स लग रहा है। सर स्क्रीन पे तो लेक्चर प्लान ही शो रहा है। स्क्रीन नहीं शो रहा है? चेंज नहीं हुई है स्क्रीन? चेंज नहीं हुई है अभी तक? हाँ चेंज नहीं हुई सर। आ गया? हाँ सर। यस सर। बताइएगा आप लोग, मैं कुछ डायग्राम बना रहा हूँ, आप लोग बताएंगे कि किसमें स्ट्रेस जनरेट होगा। अभी कोई भी आवाज नहीं निकालेगा, बस सोचते रहिए। लग रहा है 19 किलो न्यूटन और इधर लग रहा है 19 किलो न्यूटन। 19 किलो दिख रहा होगा?
सॉरी अब ये जो ऑब्जेक्ट है या फिर सर्कुलर बार बोल सकते हैं, सर्कुलर शाफ्ट बोल सकते हैं, ये जो शाफ्ट है एक रिजिड वॉल से कनेक्टेड है, इसके साथ फिक्स्ड है, ये रिजिड वॉल और इस पे फोर्स लगाया मैंने 2 kN। वैसे ही ये भी एक सर्कुलर बार है जो कि एक वॉल से कनेक्टेड है, मतलब फिक्स्ड है। अगर ऐसा कुछ सेटिंग बनाया जाए 45 डिग्री एंगल पे हैशिंग लाइंस, इसको बोलते हैं फिक्स्ड। और इस पे लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 20 kN। अब आप लोग बताइए कि कौन से पहले, अब मैं यहां से जैसे ये पहला है, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, जैसे बनाया था मैंने वो सीक्वेंस है, तो आप लोग बताएंगे कि पहले में स्ट्रेस होगा या नहीं। आप लोग आंसर लिखते जाइए, यस और नो। फर्स्ट में स्ट्रेस होगा या नहीं, लिखते जा रहे हैं। अब मैं किसी और से पूछूंगा अभी साथ में। रचित रेगुलर नहीं हो, रचित ट्यूटोरियल क्लास में नहीं आए थे आप। सर मैं ट्यूटोरियल क्लास में, सर उस दिन मैंने दिनेश सर की भी अटेंड नहीं की सर, मैं पूरे दिन बाहर ही था, मतलब किसी रिलेटिव्स के घर पे जाना था, तो सर मैं सुबह से आया बेटा, कहीं से भी क्लास अटेंड कर सकते हो अभी तो। सर वो वहां फंक्शन था सर, इसलिए हम भी अटेंड कर मिलने नहीं गए, हम भी अटेंड कर लिए होते हैं, ऑनलाइन आते तो हम भी अटेंड कर लेते हैं। चलो बताओ रचित, इसमें स्ट्रेस आएगा? नहीं सर इसमें नहीं आएगा, क्योंकि रीजन नहीं पूछ रहा हूं मैं, अभी रीजन नहीं पूछ रहा हूं। अच्छा दीपचंद बिश्नोई बताओ, इसमें आएगा स्ट्रेस? स्ट्रेस होगा इसमें? हाँ सर। होगा? नहीं होगा। आंसर लिख चुके हो दूसरे का? लिख रहे हैं सर। इसमें होगा कृष्णा पांडे, तुम बताओ। यस सर। स्ट्रेस होगा? यस सर। स्ट्रेस होगा। नेक्स्ट इज दिस वन, योगेश, इसमें स्ट्रेस होगा या नहीं? सर क्या? नो सर। नो, इसमें होगा। इसमें हेमंत बताओ। यस सर होगा। होगा? यस सर होगा। शेख सुएब रिजवान बताओ, इसमें होगा या नहीं? हाँ सर होगा सर इसमें। अब देखिए रीजन क्या है, अभी इसको सारे डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो कंक्लूजन एक निकलेगा। कंक्लूजन क्या होगा? व्हाट विल बी द कंक्लूजन? डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जिनमें इक्विलिब्रियम है, जिनमें उनमें हुआ, जो बॉडी, जो ऑब्जेक्ट, जो मशीन मेंबर हो, जो कंपोनेंट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में नहीं है तो उसमें स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा अभी आगे देखेंगे, तो इसमें कंक्लूजन क्या निकलता है, स्ट्रेस विल बी जनरेटेड ओनली व्हेन द मेंबर इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब ये देखो इस इक्विलिब्रियम में है क्या, ये है पहला ऑब्जेक्ट? नहीं है। अगर ये को मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ कि नहीं, देखो बताओ रिजल्टेंट फोर्स किधर है, राइट साइड में 1 kN का, ऐसे दिखा सकते हैं? ये ट्रांसलेट करें, जनरेट नहीं होगा इसमें, इट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, ये आगे मूव करती जाएगी एक्सेलरेशन से, ठीक है। वैसे ये क्या है, रिजल्टेंट फोर्स इस पे कितना है?
40 in left. कौन सा है? Left side, 40 किलो न्यूटन. ये इस पे तो दोनों तरफ 19 किलो न्यूटन का एक दूसरे के अपोजिट में लग रहा, तो ये इक्विलिब्रियम होगा. लेफ्ट साइड का फोर्स राइट साइड के बराबर है. वैसे ये भी है, ये इसका राइट साइड का फोर्स है और ये लेफ्ट साइड का फोर्स है. लेकिन ये दोनों क्या करेंगे, इसके डायमेंशंस को क्या करेंगे, इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज करेंगे, क्योंकि कंप्रेसिव इंक्रीज भी तो होगा ना सर. लेंथ को डिक्रीज करेंगे सर. ब्रेथ तो बस बढ़ सकती है ना. लेंथ इंक्रीज होगा, लेंथ डिक्रीज होगा, डायमीटर इंक्रीज होगा. ठीक है, यस. वॉल्यूम कांस्टेंट होगा. द नेक्स्ट वन इज, ये फिक्स्ड है, एक रिजिड सपोर्ट से ये फिक्स्ड है. मैं इसको खींचू कितना भी, यहाँ से कुछ नहीं मोशन आएगा. यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि इक्विलिब्रियम में है, जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम भी देखेंगे लोग कैसे बनाते हैं. तो फ्री बॉडी डायग्राम से पता चलेगा कि इसके लेफ्ट साइड में एक और फोर्स आएगा जो कि रिएक्शन फोर्स होगा. कहाँ से मिलेगा वो? वॉल से. रिएक्शन फोर्स मिलेगा लेफ्ट साइड में. दीवार क्या चाहता है? लेफ्ट साइड में आएगा ऑब्जेक्ट. ठीक है, वैसे ही इस केस में है. अगर ये फोर्स लेफ्ट साइड में अप्लाई कर रहे हैं तो वॉल किधर की तरफ फोर्स लगाएगा? राइट साइड में रिएक्शन फोर्स देगा, ताकि ये ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में ना चला जाए इस फोर्स की वजह से. सर इसमें कंप्रेशन स्ट्रेस लगेगा ना? इसमें फर्स्ट या सेकंड? इसमें ये थर्ड फोर्थ और इसमें सिक्स्थ में. फोर्थ और सिक्स्थ में यस कंप्रेशन होगा. ओके सर. वो साइन कन्वेंशन होता है, जब भी कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा. अगर नॉर्मल स्ट्रेस में क्या कौन सा आता है? टेंसाइल, बेंडिंग और कंप्रेसर स्ट्रेसेस आर नॉर्मल स्ट्रेसेस कैटेगरी में आते हैं. ठीक है, तो वो अगर कंप्रेसिव इन नेचर है तो उसको नेगेटिव में जो वैल्यू आएगी, सपोज कोई स्ट्रेस की वैल्यू आई 50 मेगा पास्कल, और इसको ब्रैकेट में या तो लिख दो कंप्रेसिव, ठीक है, या तो कंप्रेसिव ब्रैकेट में लिख दो या फिर -50 मेगा पास्कल लिखो सिर्फ. तो कंप्रेसिव जब भी होगा उसको नेगेटिव में लिखेंगे और जब भी टेंसाइल होगा वो पॉजिटिव में आएगा. ठीक है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा. क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें क्या नेचर है? एक्सपेंशन का, कंप्रेशन होने का, डायमेंशन इंक्रीज होगा. अब इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव, डिक्रीज होगा तो नेगेटिव, क्योंकि स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या है? डायरेक्टली स्ट्रेन नेगेटिव होगा तो स्ट्रेस भी क्या होगा? नेगेटिव. तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. स्ट्रेस विल बी जनरेटेड ओनली व्हेन द मेंबर इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम. स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोले या फिर कंस्ट्रेंट बोले, कंस्ट्रेंट है. कंस्ट्रेंट का मतलब है मोशन उसमें कोई नहीं है, ट्रांसलेशन मोशन कोई नहीं होना चाहिए. ठीक है, सो व्हाट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम? व्हाट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम? ललित शर्मा. यस सर. सरप्राइज कर रहे हो तुम, मेरे से कैसे पूछ लिया सर? नो सर. सर स्टैटिक इक्विलिब्रियम में सर जैसे कि ड्राइविंग फोर्स अप्लाई ना हो सर, जैसे कि वर्क पावर, ये फोर्स ड्राइविंग फोर्स होता है? नहीं सर, मतलब जैसे कि ड्राइविंग फोर्सेस में आते हैं ना सर. ड्राइविंग फोर्स में आते हैं? अच्छा, ड्राइविंग एनर्जी में आते हैं. यस. इस पे कुछ अप्लाई ना हो क्यों? यस सर, जैसे कि कांस्टेंट रहे जैसे आप बोल रहे हो, स्ट्रेट फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है इसमें सर? इसमें ये वहां पे सर. अच्छा सिक्स सर, बट सर एक टाइम पे तो वो स्टैटिक है ना सर, पीछे की साइड से अगर आप देखे तो. स्टैटिक कब बोल रहे हो उसको सर? ये जो आपने सिक्स वाले में सर लास्ट में एज लाइन बना रखी है ना सर, बताइए. देखिए क्या लिखा है स्क्रीन पे. स्टैटिक इक्विलिब्रियम एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो. एक्सेलेरेशन नहीं होना चाहिए. अगर हम लोग मैकेनिक्स की बात करें तो एक्सेलेरेशन नहीं होना चाहिए. इन अदर वर्ड्स, एन ऑब्जेक्ट इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम इफ एंड ओनली इफ द अलजेब्रिक सम, बहुत इंपॉर्टेंट है अलजेब्रिक सम. अलजेब्रिक मतलब विद साइन.
algebraic sum of the forces on it in each direction is zero. Suppose ये कि object है, मैं इस पे एक force इधर लगा रहा हूँ 50 kilonewton का, ठीक है? और right side में, मतलब left side में भी 50 kilonewton का लगाया. अब algebraic sum zero आना चाहिए. कैसे लिखेंगे? Zero कैसे आएगा? हेमंत बताओ. सर साइन कन्वेंशन के हिसाब से एक डायरेक्शन को अपन पॉजिटिव कह देंगे. जैसे अगर अपन राइट को पॉजिटिव कह रहे हैं तो इस पे 50 किलो न्यूटन तो पॉजिटिव फोर्स हो गई और माइनस 50 किलो न्यूटन अलजेब्रिक यस अलजेब्रिक का मतलब समेशन का एक साइन है और ये सारे फोर्सेस किस में है एक्स डायरेक्शन में दिख रहा है एक्स डायरेक्शन में तो एक समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन मस्ट बी जीरो फॉर एक्स डायरेक्शन स्टैटिक इक्विलिब्रियम ध्यान रहे x डायरेक्शन स्टैटिक इक्विलिब्रियम तो x डायरेक्शन में स्टैटिक इक्विलिब्रियम राइट साइड के फोर्स को अगर पॉजिटिव मानता हूं मैं तो लेफ्ट साइड का अपने आप नेगेटिव हो जाएगा जीरो आएगा ये होना चाहिए ठीक है अगर मैं बोलूं एक फोर्स ऊपर लग रहा है 20 किलो न्यूटन का ये बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है या नहीं नहीं है सर कौन से डायरेक्शन में ये मैटर करता है सर स्टैटिक इक्विलिब्रियम इन व्हिच डायरेक्शन इट इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम इन द एक्स डायरेक्शन ओनली एक्स डायरेक्शन में मोशन नहीं होगा वाई डायरेक्शन में होगा क्यों होगा इस 20 किलो न्यूटन की वजह से ठीक है क्योंकि समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो जब लगाएंगे तो एफ वाई में एक ही फोर्स है ऊपर की तरफ है 20 प्लस 20 और नीचे कोई है नहीं इट इज नॉट इक्वल टू जीरो तो y डायरेक्शन में कोई स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं है सिर्फ x डायरेक्शन में तो ओवरऑल बॉडी क्या हो जाएगी नॉट इन इक्विलिब्रियम होगी ना वॉल्यूम ब्रेक हो रही है आपकी क्या चीज अच्छा आवाज ब्रेक हो रही है एक सेकंड रुकिए यस अब आ रही है आवाज yes, जिसने बोला था साउंड यस सर चलो ठीक है ये समझ में आया डायग्राम हां बोलो सर इसमें टॉर्क भी तो जीरो होना चाहिए सर टॉर्क भी जीरो होना चाहिए मैं आगे बढ़ रहा हूं इक्वेशन लिखेंगे अभी इक्विलिब्रियम इक्वेशन टॉर्क भी जीरो होना चाहिए एग्जैक्टली यहां पे टॉर्क तो ऑब्वियसली जीरो होगा क्योंकि टॉर्क यहां से जा रहा ये देखो जब भी मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो ये नहीं कि मैं जब भी मान लो कि मैं सेंटर से पास नहीं कर रहा हूं तो मैं उस समय बताऊंगा कि सेंटर से डिस्टेंस कितना है ठीक है अगर ये फोर्स सेंटर पे नहीं अप्लाई होता कहीं और होता तो मैं सेंटर से डिस्टेंस बताता जिसको बोलते हैं सेंट्रिसिटी ठीक है ये डिस्टेंस बताता मैं स्मॉल ई में लिखता लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं तो ये अज्यूम करेंगे ये ऑब्वियस है कि ये सेंटर से ही पास हो रहा है ठीक है तो जब भी सेंटर से पास होगा इसकी डिफाइन में इफ एंड ओनली इफ कह रखा आपने इसलिए कि अलजेब्रिक सम जीरो अगर टॉर्क मतलब कपल की कंडीशन होगी तो भी अलजेब्रिक सम तो जीरो ही होगा यहां पे सर एक टॉर्क भी तो लिखना ही पड़ेगा ना डिफाइन में अच्छा ये यहां पे तुम कह रहे हो ना कि फोर्सेस के अलावा टॉर्क भी होना चाहिए हां सर अच्छा चलो ठीक है यहां पे प्लस मोमेंट लिखिए बढ़िया पॉइंट है ये मोमेंट भी होना चाहिए टॉर्क भी मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क इज आल्सो अ स्टेटिक मोमेंट सो ओनली मोमेंट लिखेंगे फोर्सेस एंड मोमेंट ऑन इट हां बोलो सर जैसे अगर इस पे टॉर्क लगा तो वो तो सर इसको गोल-गोल घुमाएगा ना हां तो गोल-गोल घुमाना भी तो नॉन इक्विलिब्रियम है स्ट्रेस होगी नहीं ना स्ट्रेस होगी नहीं पर इसमें एक्सीलरेशन कहां आ रहा है अगर ये अपनी जगह पे घूमेगा तो mv स्क्वायर बाय r एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है एक्सीलरेशन भी होता है अल्फा हां एंगुलर एक्सीलरेशन जब रोटेशन में जाओगे तो सब कुछ एंगुलर हो जाएगा ना एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सीलरेशन मास इनर्शिया बन जाएगा ठीक है तो ये यहाँ पे पॉइंट नोट करेंगे हम फोर्सेस एंड मोमेंट इन ईच डायरेक्शन अगर डायरेक्शन में अगर रोटेशन की बात कर रहा हूँ तो डायरेक्शन वो रोटेशन वाली डायरेक्शन हो जाती है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ठीक है नेक्स्ट द अलजेब्रिक सम का मतलब क्या है विद साइन कन्वेंशन ऑफ द फोर्सेस साइन कन्वेंशन अभी मैं बताऊंगा साइन कन्वेंशन क्या होता है
अब ये देखिए क्या है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, ठीक है। हम लोग हमेशा राइट डायरेक्शन में एक्स लेंगे, ऊपर लेंगे वाई और अपने सामने लेंगे जेड। ये क्या है, 3D में, और पहला ये वाला क्या है 2D में। तो दो तरह का इक्वेशन, दो सेट ऑफ इक्वेशंस आएंगी। फर्स्ट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम फॉर 3D। तो 3D में पहला इक्वेशन क्या होना चाहिए, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन मस्ट बी जीरो, स्टैटिक इक्विलिब्रियम का इक्वेशन है। सेकंड है समेशन ऑफ FY, ऑल द फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन विद साइन। साइन मैं बताऊंगा अभी उसके लिए भी मैं, अभी तो आपको पता चल गया होगा कि राइट साइड में पॉजिटिव, मेरे राइट साइड में, राइट साइड में पॉजिटिव, चलिए मैं आपके साइड में बता रहा हूँ, राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव। ऊपर के डायरेक्शन में पॉजिटिव तो नीचे डायरेक्शन में नेगेटिव, ठीक है। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में पॉजिटिव तो एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव, ये अंडरस्टूड है। तो कोई तीन को जान लेंगे, अगर हम सिर्फ एक्स को जान जाएंगे तो माइनस एक्स वाला अपने आप जान जाएंगे, वाई को जान जाएंगे तो माइनस वाई वाला जान जाएंगे, पॉजिटिव रोटेशन वाला जान जाएंगे तो नेगेटिव वाला भी जान जाएंगे। तो तीन ही को जानना है हमको, डायरेक्शन कैसे होते हैं, उसके अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो टोटल कितने डायरेक्शन आएंगी, अगर मैं 3D में बात करूं तो टोटल समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, इधर और इधर इस साइड में सारे को मिला के क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट, सपोज यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एकदम ओरिजिन पे, और इस पे फोर्सेस इधर लग रही है और इधर लग रही है, सारी मिला के क्या होनी चाहिए, समेशन जीरो होना चाहिए। वैसे ही वाई का भी होना चाहिए, जेड का भी होना चाहिए। mx का मतलब क्या है, समेशन ऑफ mx इक्वल टू जीरो, ऑल द मोमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट, मतलब किस प्लेन की बात होगी, इस प्लेन की बात होगी, x एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट होना है इसको, तो ये x y z प्लेन होगा। समेशन ऑफ ऑल मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस मस्ट बी जीरो, इस x एक्सिस से डायरेक्शन में जिसके परपेंडिकुलर जो भी डिस्टेंस होगी मल्टीप्लाई करेंगे उस सारे फोर्सेस में, और वो कितना होना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। वैसे ही वाई वाला भी होगा, ये वाई एक्सिस के अबाउट में अगर बॉडी रोटेट हो रही है तो उसका भी समेशन क्या होना चाहिए, जीरो। रोटेट नहीं हो रही मतलब सारे बॉडी, बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, अब हमको चेक करना है कि ये रोटेट होगी या नहीं होगी, ठीक है। अगर आपको चेक करना है रोटेट होगी या नहीं होगी तो ये निकालना पड़ेगा, अगर इसकी वैल्यू जीरो आ रही है तो मान लेंगे उस डायरेक्शन में भी मोमेंट जीरो है, समेशन ऑफ मोमेंट जीरो है, तो इसका मतलब उस डायरेक्शन में रोटेट नहीं हो रही होगी। समझ में आ रहा है? यस सर। वैसे ही समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस मस्ट बी जीरो। द नेक्स्ट इज द स्टैटिक इक्विलिब्रियम फॉर 2D। अब 2D के लिए क्या क्या हट जाएगा, ये तो हट ही जाएगा। 2D मैं मान रहा हूँ एक्स और वाई, जेड को भूल जा रहे हैं, एक्स और वाई मान सर। हाँ बोलो सर, जेड एक्सिस में वापस से बताना सर, कौन सा रोटेशन या फोर्सेस? यस सर, रोटेशन का बता रहे थे। जेड विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस का मतलब ये प्लेन रोटेट होगी ना कुछ फोर्सेस की वजह से, इस पे कहीं फोर्स ऐसे लग रहा होगा, कहीं फोर्स ऐसे लग रहा होगा, तो इन सारे फोर्सेस का जेड एक्सिस से कितना डिस्टेंस है मल्टीप्लाई करते हुए मोमेंट निकालेंगे, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेंगे, और सारे को जोड़ के इक्वल्स टू जीरो करेंगे, या फिर चेक करेंगे उसका समेशन जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है। जीरो आ रहा होगा तो बोलेंगे कि जेड एक्सिस के अबाउट ये रोटेट नहीं हो रहा है, मतलब उसके अच्छा। उसके अबाउट वो क्या है, रोटेशन नहीं हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम रोटेशन ठीक है। Okay. अब 2D अगर आ गया तो इसमें क्या है, 2D में इसमें तो दो ही है। हाँ, ये ऑब्जेक्ट रोटेशन किसके अबाउट हो सकता है, ये सिर्फ जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट हो सकता है, इसको 2D में ही रहना है, एक्स और वाई प्लेन में ही रहना है, इस ऑब्जेक्ट को कहीं और रोटेट नहीं होना है, मतलब इसका कोई भी पार्ट जेड एक्सिस में नहीं आना चाहिए, बट रोटेशन तो जेड एक्सिस के अबाउट हो सकता है इसके अबाउट, ठीक है। तो कौन सा मोमेंट जीरो होगा, समेशन ऑफ एम जेड इक्वल्स टू जीरो फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ध्यान रहे स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए, और समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन मस्ट बी जीरो। तो यहाँ पे बस तीन इक्वेशन आती है हमारे पास, और मोस्टली हमको 2D ही पढ़ना है, ठीक है। तो तीन इक्वेशन हमेशा याद रखना होगा, समेशन ऑफ fx इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ fy इक्वल्स टू 0 एंड समेशन ऑफ mz इक्वल्स टू 0, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं साइन कन्वेंशन। हाँ, किसी को डाउट है? हाँ सर, मेरे को हाँ बोलो।
सर मैं कह रहा हूँ पर अपन तो सर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड पढ़ रहे हैं ना, इसमें तो अपन को बॉडी मतलब स्ट्रेचेबल माननी है, रिजिड नहीं माननी है, तो इसके केस में भी अपन सेम ही करेंगे क्या? फिर से बोलो सर। आप मैं कह रहा हूँ सर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में तो बॉडी को अपने को रिजिड नहीं मानना है ना, रिजिड नहीं मानना है। हाँ ठीक है, तो इसके केस में भी ये सेम ही रहेगा कि इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट वगैरह? ऑब्वियसली, क्योंकि बॉडी तो अब स्ट्रेच हो सकती है। स्ट्रेचिंग देखो एक डिफॉर्मेशन होता है, एक डिस्प्लेसमेंट होता है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा इसलिए ये सारे जीरो होंगे। डिफॉर्मेशन हो जाए भले ही, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, एक्सेलरेशन नहीं आ रही बॉडी में, पूरा बल्क बॉडी में एक्सेलरेशन, एक सेंटर ऑफ मास का देखते हो ना। हां सर, तो सेंटर ऑफ मास थोड़ी मूव करेगा। हां ठीक है, नेक्स्ट चले। यस सर, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन बस तीन में देख रहा हूं कि ऊपर है, राइट साइड में है और क्लॉकवाइज है, तो इसको पूरा साइन कन्वेंशन इस केस में क्या हो जाएगा? दीज आर पॉजिटिव, इस केस में सारे पॉजिटिव होंगे, मोमेंट क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा, फोर्सेस अपवर्ड पॉजिटिव होगा, फोर्सेस राइटवर्ड पॉजिटिव होगा, उसके अलावा सारे क्या होंगे? नेगेटिव। मतलब पूरा नहीं लिखा हूं, फिर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा पढ़ते वक्त, ठीक है, थोड़ा मंथन होगा तो याद हो जाएगा, सारा लिख दूंगा तो सोचोगे सब कुछ है ही क्या पढ़े। ठीक है, तो मैं कुछ फोर्सेस बनाऊंगा, आप लोग बताएंगे कि समेशन ऑफ एफएक्स पूछूंगा, समेशन ऑफ एफआई पूछूंगा मैं, आप लोग बताएंगे। अच्छा ये मीटिंग हो सकता है ये 5 मिनट में शायद अपने आप साइन आउट हो जाएगी, तो आप लोग सर आप मॉडिफाई भी कर सकते हो मीटिंग सेटिंग्स अभी करें। हां सर मॉडिफाई कर दो ना, जिससे ऑफ नहीं होगी अपने आप। 40 मिनट का इसमें हुआ है, एंड हो जाता है सर। एक सेकंड कर लूंगा। एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा क्या? तो स्क्रीन पे लिख रहा है क्या? किसी ने तो किया है नोट, क्यों तो लिख रहे हो सर? फ्री वाला तो शायद 40 मिनट ही चलता है ना? क्या फ्री वाला शायद सर 40 मिनट ही चलता है? 40 मिनट ही चलता है, तो ये बता रहे कि सेटिंग में है कहीं देखे होंगे? क्या पता नहीं। हां सर मैंने बहुत, चलो नेक्स्ट क्लास में चेक कर लेंगे, अभी मैं पहले देखूं। हां सर मैं अभी देख ले, फिर से रीजॉइन कर लीजिएगा। हां सर स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। अच्छा चलिए, मैं इस पे फोर्सेस लगा रहा हूं, आप लोग बताएंगे कि इसमें समेशन ऑफ एफएक्स क्या है और समेशन ऑफ एफवाई क्या है। सपोज मैंने एक फोर्स लगाया इधर P1, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल है कुछ θ1। उसके बाद एक फोर्स लगाया इधर, ये हॉरिजॉन्टल है, एंगल नहीं दे रहा हूँ तो समझो स्ट्रेट है P2। और एक फोर्स इधर लगा रहा हूँ P3, तो समेशन ऑफ एफएक्स इक्वल टू क्या होगा? और समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू क्या होगा? जल्दी बताओ, इसको बताने से नहीं, आप लोग लिखिए, अभी अपने अपनी कॉपी में लिखिए, पहले कीजिए इसको। लिख दिया। अच्छा, तो समेशन ऑफ एफ एक्स मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 लिखना है हमको। ये बॉडी के बोला गया है कि दिस बॉडी इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, तो इक्वेशन क्या बनेगी? समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 से क्या बनेगा? इसको हम लोग क्या करेंगे? रिजॉल्व करेंगे। ये क्या आएगा? P1 साइन या कॉस? साइन थीटा 1 एग्जैक्टली। और राइट साइड में क्या आएगा? P1 cos थीटा 1। P2 वैसे ही रहेगा, P3 भी वैसे ही रहेगा, क्योंकि ये स्ट्रेट है, वाई एक्सिस में है और एक्स एक्सिस में है। ये विश्वजीत सिंह मोबाइल उल्टा कर दियो तुम, कैसे दिख रहा है तुमको? मुझे लग रहा है धरती पलट गई, भूकंप आया होगा सर, भूकंप आ गया उसके यहाँ। तो समेशन ऑफ एफएक्स इक्वल्स टू 0 से इक्वेशन क्या क्या आएगा? P1 cos थीटा 1, क्योंकि अब राइट साइड में है तो पॉजिटिव ले लिया, ठीक है, प्लस P2
इक्वल्स टू जीरो होगा इस इक्वेशन राइट साइड में एक ये है और एक ये है दोनों राइट साइड में तो पॉजिटिव होगा और समेशन क्या हो जाएगा जीरो उसके बाद समेशन ऑफ एफ वाई से क्या इक्वेशन आएगी पी वन साइन थीटा वन माइनस माइनस क्यों आएगा क्योंकि नीचे है माइनस पी थ्री इक्वल्स टू जीरो ये सेकेंड इक्वेशन है अब ये जितने भी अननोन होंगे दो इक्वेशन है तो दो अननोन होंगे दोनों अननोन आपको मिल जाएंगे दोनों अननोन क्या करेंगे आप लोग फाइंड कर लेंगे ठीक है अगर सपोज तीसरा अननोन है तो कौन सा इक्वेशन लगाएंगे हेमंत बताओ क्या हुआ सर अगर एक और अननोन हो तीन दो से ज्यादा अननोन हो तो क्या करेंगे आपको दिख रहा होगा यहाँ से सेंटर से ये फोर्स लग रहा है इस साइड में उस डिस्टेंस पे लग रहा है ना यस सर तो इसका मोमेंट जो होगा वो क्या होगा होना चाहिए जीरो होना चाहिए वहां से हो सकता है थीटा वन आ जाए या फिर पी वन की वैल्यू आ जाए लेकिन पी वन की वैल्यू तो आएगी नहीं थीटा वन की जीरो आएगी क्योंकि पी वन कॉस थीटा वन अगर मल्टीप्लाई कुछ डिस्टेंस करोगे तो पी वन तो जीरो होगा ठीक है पी वन तो राइट साइड में चला जाएगा फिर थीटा वन आएगा कुछ वैल्यू सपोज 90 डिग्री आ गया तो ये कुछ अननोन्स और भी मिल सकते हैं लेकिन अगर ये डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है तो समझो ये मोमेंट वाले इक्वेशन को अप्लाई नहीं कर सकता अगर डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है क्यों अगर इसका साइज नहीं दिया हुआ है तो कैसे निकालोगे डिस्टेंस डिस्टेंस नहीं पता है तो ये इसका मतलब ये वाला इक्वेशन यूजेबल नहीं है यहाँ पे ठीक है अब ये बताइए cos थीटा 1 0 90 डिग्री क्यों का अरे ये p1 cos थीटा 1 मल्टीप्लाई कुछ डिस्टेंस होगा ना इक्वल टू 0 करेंगे मोमेंट लगाएंगे ये तो ये तो इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा cos थीटा 1 मल्टीप्लाई बाय d ये भी एक इधर 0 हो जाएगा cos थीटा 1 इक्वल टू 0 इसका थीटा मतलब क्या 90 नहीं सर थीटा 1 तो यहां पे कुछ और है ना p1 का एंगल है अरे तो यहां से अननोन पता चल रहा है कि p1 इसका मतलब p1 ये जो फोर्स लग रहा था p1 सीधा लग रहा होगा समझे ठीक है तो वो अननोन पता चलेगा